ओ भाई अमेरिका बना दो ना हमें, अमेरिका जितनी हमारी आमदनी कर दीजिए ना। बेचैन इसीलिए है क्योंकि फिर मैं सवाल पूछूंगा। लगातार महंगाई के खिलाफ भी टीकाकरण हो गया। बात कर नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, कोरोना से तो बच जाएंगे, महंगाई से बचने का टीका। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो पहले तो आप सबको ईद मुबारक। तो आइए पहले थोड़ा हम शुरू करते हैं हमारे गोबर संबित पात्रा से। तो ये मोस्टली हर डिबेट में एक ही बात कहते हैं कि 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा मुस्लिम को ज्यादा महत्व देते थे। तो पहले हम इसका ये क्लिप देखते हैं और फिर आपको असली सच बताते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या कहा करते थे। 2014 से पहले इस प्रकार का कोई कम्युनल एजेंडा टीवी पे अमूमन डिस्कशन नहीं होता था, 2014 के बाद हुआ। देखते ही मारने का मन हो गया। मैं बताता हूँ साइंटिफिकली और लॉजिकली क्यों हुआ है। 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे सरकार है, देश में संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो स्वाभाविक है इस पे डिबेट नहीं होता था और लोग कहते थे यही शायद सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन यही है कि पहला संसाधनों पे अधिकार मुसलमानों का है। Along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim. तो जैसा कि आपने सुना, इसमें मनमोहन सिंह ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि केवल मुसलमानों का नहीं बल्कि अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला हक है। और उनके कहने का मतलब ये भी है कि मुस्लिम वर्ग के लोगों का हमारे देश में बराबर का हिस्सा है और अल्पसंख्यकों को ऊपर बराबरी में लाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। तो अगले क्लिप्स में हम देखेंगे कि हमारी टॉप की गोदी एनिमल नविका कुमार कैसे हमें और आपको दोगलापंथी का पाठ पढ़ाती हैं। पहली बात तो ये है कि मोहतरमा, आप जैसे घटिया लोगों ने ही हमारे देश में हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला रखी है। आप जैसे लोगों ने ही देश का बेड़ा गर्क किया है और वो भी चंद रुपयों के लिए अपने देश का भविष्य को बेच दिया है। आप हमें दिखा दीजिए कितनी डिबेट्स हैं जो आपने हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए किए हैं, या हमारे देश के किसान जो इस बार झाड़ कम होने की वजह से पहले से भी ज्यादा खुदकुशियां कर रहे हैं उन पर डिबेट्स की हैं। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हमें आप जैसा मीडिया कतई नहीं चाहिए। जब भी सांप्रदायिक तनाव फैलता है तो राजनीति भले जीत जाए लेकिन आम आदमी का कभी भला नहीं हो सकता। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? आम आदमी हिंदू मुसलमान में उलझ कर रह जाता है और बिजली पानी सड़क की बुनियादी सवालों को नहीं उठा पाता। ओ भाई मारो मुझे, ये मजाक हो रहा है। आम आदमी के ये भी सवाल है कि बच्चों को नौकरी मिलेगी कि नहीं, नौकरी मिलेगी तो वो नौकरी चलेगी कि नहीं, या फिर इन सांप्रदायिक घटनाओं के बीच देश की आर्थिक स्थिति को भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि ये उस देश की आत्मा नहीं जहां महात्मा गांधी गाते थे रघुपति राघव राजा राम। सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। रघुपति राघव राजा राम। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, क्यों कांग्रेस पार्टी को इतना मुश्किल लगता है कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना?
इस देश में तकरीबन 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन मानो सियासत ने हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट मान लिया है या उनकी चिंता करना छोड़ ही दिया है और उन्हें लगता है कि ये हिंदू किसी तरह अपने आप जी लें। भारत में इस्लामोफोबिया का नैरेटिव चलाने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि सच्चाई ये है ही नहीं। मैं पूछ रही हूँ, क्या हो गया है इस देश को? आज मैं ये सवाल बहुत संजीदगी से पूछना चाहती हूँ कि ये हो क्या रहा है। सोचिए, समझिए, जानिए, ये हो क्या रहा है। और आइए अगले क्लिप में हम देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने जो बीजेपी प्रवक्ता की कुटाई की है वो देखकर मजा आ जाता है। तो आप ये वीडियो देखें और ध्यान दें कि जब भी कोई मुद्दे की बात होती है तो बीजेपी प्रवक्ता फट से दूसरे मुद्दों की ओर ध्यान भटकाती है। जैसे महंगाई है तो और देशों में भी तो महंगाई है, अरे ये कैसा बहाना हुआ यार, और युद्ध चल रहा है तो इसलिए महंगाई है। युद्ध तो अब शुरू हुआ है और आपकी सेहत उसमें हमारी नहीं बिगड़ती। 300 रुपए नींबू खरीदूं उसमें नींबू नहीं मैं बनता हूं। दूध महंगा हो जाए, फल सब्जियां महंगी हो जाए, एलपीजी महंगी हो जाए, कमर्शियल गैस महंगी हो जाए, इससे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसमें वो तो साइकिलिंग करो, साइकिलिंग करने से अच्छा हो जाएगा बदन, आपका तंदुरुस्त हो जाएगा। कैसी लगी आगे स्वाद? जी, कुछ लोगों को जब ग्लास आधा देखने की आदत पड़ जाती है तो उनका कोई इलाज नहीं, वो हमेशा आधा खाली ग्लास देखेंगे, पूरा जो आधा भरा हुआ है उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो नजरिया अपना अपना होता है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करने चाहूंगी, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर भारतवर्ष के विषय में मैं अगर बात करती हूँ तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। भारत आज की तारीख में उस स्थान पर आ चुका है। सबसे पहली बात तो 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश है और ये वो देश है जिसने 1.15 बिलियन वैक्सीनेशंस जो है ना 10 महीने के अंदर लगा दी थी और 16 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 90% जो है डबल वैक्सीनेशन हो गया था। 5 बिलियन वैक्सीन जो है वर्ल्ड को देने का प्रॉमिस किया, जो लगातार महंगाई के खिलाफ भी टीकाकरण हो गया। नहीं, कोरोना से तो बच जाएंगे, महंगाई से बचने का टीका कब लगेगा? संदीप जी सुनिए, ऐसा है कि मैं केवल आपकी बात सुनने के लिए नहीं आई हूँ, उत्तर भी देने के लिए आई हूँ। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। करिए ना, महंगाई का टीका कब लगेगा? बिल्कुल ये फंस गया सीएम। अगर आप मुझसे कहते हैं क्या आज इन्फ्लेशन जो है वो हाई लेवल्स पे? हाँ जी सर, बिल्कुल है। क्या यूक्रेन से वॉर हो रहा है उसकी वजह से महंगाई पे असर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर आप कहते हैं क्वेश्चनेबल डिमांड है, बिल्कुल क्वेश्चनेबल डिमांड है। आप कहते हैं क्या फॉलिंग प्रोडक्टिविटी है? जी, उस सेक्टर में फॉलिंग प्रोडक्टिविटी है। क्या राइजिंग फ्यूल प्राइसेस है? बिल्कुल राइजिंग फ्यूल प्राइसेस है, उसमें बिल्कुल नहीं निकाल सकते, पर हर चीज के पीछे एक अपना रीजन है। तो तू देख लियो। अच्छा। अगर मैं राइजिंग फ्यूल प्राइसेस के बारे में बात करती हूँ तो 24% जो फ्यूल है वर्ल्ड में कहाँ से आता है? रशिया से आता है। अच्छा एक चीज बताइए, वो 2012-13 के वो दृश्य वो सबके जहन में है तो मैं उनको दिखाना इतना जरूरी नहीं समझता हूँ, सबको पता है। जब आप सड़कों पर उतरते थे सिलेंडर सर पर लेकर स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी, अर्धनग्न होकर बीजेपी के लोग कमीजें उतार कर प्रदर्शन करते थे, तब महंगाई कुछ और थी, आज की महंगाई कुछ और है। इसीलिए समझ रहे हो ना। देखिए ऐसा है, आप इन्फ्लेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, कि आप कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन। नहीं, मैंने 17 महीने के सबसे हाई स्तर जी, मैं बिल्कुल करेक्ट फिगर्स देता हूँ। नहीं, आपने बताया 17 महीने का सबसे हाईएस्ट 6.95% है। यूएसए में 40 साल का सबसे हाईएस्ट चल रहा है। ओ भाई, अमेरिका बना दो ना हमें, अमेरिका जितनी हमारी आमदनी कर दीजिए ना। He's a bitch of a son. Sorry? He's a bitch of a son. Deep जी, आप बेचैन इसीलिए हैं क्योंकि मैं आपकी हर बात का उत्तर दे रही हूँ। हाँ दीजिए अभी, हाँ चलिए पूरा दीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। ठीक
ठीक है ना, दो हजार तेरह बारह में इंफ्लेशन कितना था, 6.9% था कि नहीं था, और वही इन्फ्लेशन जो है नेगेटिव आ गया था 2015-16 में। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे नेगेटिव नेगेटिव कंडीशंस चल रही है जियोपॉलिटिकली, आप देख लीजिए क्या कंडीशंस चल रही है। नहीं नहीं, अमेरिका की बात हो रही थी, उस बात को आगे बढ़ाते हैं ना। अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, ये बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया ये हरदीप पुरी ने भी बताया। अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, कनाडा, वहां तो जी 50% बढ़ गए दाम तेल के। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए तो प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। अभी हाल फिलहाल, अरे डांटिए मत, डांटिए मत, हमारे देश में आए जिनसे कि हमारा देश जो है किसी जमाने में गेहूं उधार लेता था, और आज उस देश के प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट करके गए हैं कि आप क्या हमें गेहूं सप्लाई कर सकते हैं, हालात बड़े खराब है। तो आपको लगता है कि भारत अच्छा गेहूं हम सबको दे सकते हैं, पर हमारे किसान की आय प्रतिदिन 27 रुपए। अमेरिका के बारे में ही हरदीप पुरी ने, वो 6 जो देश हैं उनके मैंने नाम लिए, अमेरिका, कनाडा, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कि जी वहां तो 50% तेल के दाम बढ़ गए। परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे, सबकी समान आय कर दोगे, तो पाया गया कि भारत में गैस दुनिया में सबसे महंगी। पेट्रोल 3rd सबसे महंगा दुनिया में, और डीजल 8th का सबसे महंगा। तो ये अमेरिका में जी महंगाई बढ़ गई, तो हम महंगाई झेल लेंगे। नहीं नहीं चौधरी साहब, ये भी बताइए कि 80% फ्यूल जो है इंडिया का इंपोर्ट होता है। अच्छा वो 2012-13 में जब, तब क्या इंपोर्ट नहीं होता था, जब कहा जाता था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, भाई हमने उन्हें रोका हुआ है। अच्छा रोका हुआ है, 120 रुपए